हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय दो जनगणना पर। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। इस जनगणना वाले टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एवं बजट 2022-23 का जो बुक लॉन्च किया गया था, उस बुक में कुछ करेक्शन है, उसे थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। देखिए, इस बुक के आपके पेज नंबर 14 यानी कि 14 नंबर पेज में आपका एक टेबल बना हुआ है, जिसमें क्षेत्रावार सर्वाधिक वृद्धि प्रचलित भाव पर, एक तरफ स्थिर भाव है, एक तरफ प्रचलित भाव है। तो प्रचलित भाव के तरफ उसमें लिखा हुआ है मछली पालन, उस मछली पालन को आप कट करके वहां पर पशुपालन लिखिएगा, ठीक है। यहां पर मछली पालन लिखा गया है, मछली पालन अप्रोक्स 10% के आसपास है, और जो पशुपालन है वो है आपका 12.41%। तो इस एक चीज को आपको अपडेट करना है। सेकंड है आपका पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 में देश का, छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज मूल्य के आधार पर, ठीक है, जो खनिज वाला टॉपिक है, उस खनिज वाले टॉपिक में आपके पेज नंबर 51 में एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बना हुआ है नीचे की तरफ, पेज नंबर 51 में, जहां पर पहले ही नंबर के जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर, वहां पर लिखा गया है तीसरा। इस तीसरा को आपको कट करना है, उसके जगह लिखना है आपको दूसरा। क्यों? क्योंकि पिछले साल तक हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर था। इसी आपके 51 नंबर पेज के बाद अगर आप 52 में जाएंगे तो उसमें एक टेबल बना हुआ है, जिसमें जिसमें जो है आपका इंडियन मिनरल्स का जो एनुअल रिपोर्ट आता है, उसमें उत्पादन मूल्य के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन पर जा चुका है, ठीक है। वैसे तो ये जो आपका रिपोर्ट है पूरा कंप्लीट आपका छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे टाइप करने के बाद इस रिपोर्ट पर नजर पड़ी थी, इस कारण से ये थर्ड पोजीशन पर मेरा ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो इसको करेक्ट करके आपको सेकंड पोजीशन करना है। और एक है आपका पेज नंबर 107 नंबर पेज में छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 वाले टॉपिक में टेबल बना हुआ है, जिसमें आपका स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उस स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में आपका वहां लिखाया हुआ है 35, उस 35 को कट करके आपको करना है 32। छत्तीसगढ़ में कुल 32 आपका उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ये सारा का सारा अपडेशन आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा अपडेट कीजिएगा। हर इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो के शुरुआत में मैं आपको ये अपडेशन बताऊंगा, ताकि किसी की भी कोई भी गलती ना हो। हो सकता है कि कोई जो है वीडियो पर्टिकुलर इसी वीडियो को, हो सकता है कोई स्टूडेंट ना देख पाए, इसलिए हर वीडियो की शुरुआत में आपको ये करेक्शन में बार बार बताऊंगा। जो ये करेक्शन अभी है, इसी करेक्शन को दोहराऊंगा, ताकि आप जो है बुक में अपडेट कर सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय दो जनगणना। इस अध्याय दो जनगणना वाले टॉपिक में हम जनगणना 2011 के आंकड़े को पढ़ेंगे। देखिए, हमारे देश में जो जनगणना होती है ये दार्शनिक आधार पर होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है। पिछली जनगणना आपके 2011 में हुई थी, इस साल इस बार जो है आपके 2021 के जनगणना की रिपोर्ट आ जाने चाहिए थे, लेकिन 2020 और 21 जो है ये कोरोना काल का दौर रहा, सारे के सारे सर्वे रुके हुए थे, इस कारण से आपका 2021 के जनगणना के आंकड़े आने में अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो जो हम आपका पढ़ेंगे वो जनगणना 2011 के आंकड़ों को पढ़ेंगे, और ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये जो आपके आंकड़े हैं इसमें 27 जिलों के आधार पर यहां पे आंकड़े लिखे हुए हैं। जब हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण जब बुक लॉन्च हुआ था, बहुत से स्टूडेंट के कॉल आए कि सर आपकी जो जनगणना वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अरे मेरे दोस्त, गलती नहीं है उसमें। जो आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक होगी या जो भी आपके पास बुक पड़ा होगा, उसमें जनगणना 2011 के आंकड़े हैं, और जब जनगणना 2011 हुआ था उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी आपकी 18, लेकिन पिछले 2-3 सालों से छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के आंकड़े मेंशन किए जा रहे हैं। पहले तो 27 जिलों के आंकड़े आते थे, लेकिन जब से 28वां जिला बना आपका गोरिल्ला पेंटर मरवाही, तो अब जो है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में पूरे 28 जिलों के आंकड़े मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक में या कुछ आपके ग्रंथ अकेडमी की पुस्तकों में आपको डाटा अगर डिफरेंस दिखेगा, तो आप जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया हुआ है उससे क्रॉस चेक कर लीजिए, सारे डाटा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जनगणना। यहां पर आपके क्रमांक दिया है जनगणना 2011 छत्तीसगढ़ और जिले, 27 जिलों के आधार पर सारे के सारे आंकड़े हैं। सबसे पहले नंबर पर है जनसंख्या। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है आपकी 2.55 करोड़, यानी कि 2,55,00,000 की आबादी जनगणना 2011 के आधार पर। छत्तीसगढ़ की जो आबादी है जनगणना 2011 के आधार पर वो है आपके 2.55 करोड़, यानी कि 2,55,00,000। इस 2,55,00,000 आबादी में से सर्वाधिक आबादी निवास करती है आपके रायपुर में, जबकि सबसे कम आबादी निवास करती है आपके नारायणपुर में। रायपुर में लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 21,00,000 आबादी रायपुर में निवास करती है, और सबसे कम आबादी निवास करती है नारायणपुर में। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, थोड़ा लॉजिक के साथ पढ़ा कीजिए।
अगर कोई आपके जिले में आबादी सर्वाधिक है तो उसका कारण क्या है, उसके भौगोलिक स्थिति होते हैं, उसका विकास दर देखा जाता है, वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि भौगोलिक परिस्थिति की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा सरगुजा संभाग और आपका बस्तर संभाग वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा जंगल वाले एरिया है, ठीक है, जंगल वाला एरिया है, ग्रामीण एरिया है, दुर्गम क्षेत्र है, स्पेशली बस्तर संभाग, तो यहां पर आबादी कम होगा, ठीक है। जबकि उसके कंपैरिजन में जो आपका दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये काफी डेवलप्ड आपके सिटी है, काफी डेवलप्ड आपके डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां पर आपके आबादी सर्वाधिक होगा। दूसरा, यहां इन इन ये जो आपका रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर है, यहां पर आपका साक्षरता दर अधिक होगा, यहां पर लिंगानुपात सर्वाधिक होगा। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। तो ये सारे कारण होते क्यों है, क्योंकि जो आसपास के जो जिले हैं वो सारे के सारे जिलों से लोगों का पलायन इस रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में होता है, काम की तलाश में, पढ़ाई के तलाश में, ठीक है, पढ़ाई के लिए लोग आपके रायपुर आते हैं, बिलासपुर आते हैं, ठीक है, मजदूरी के लिए आते हैं। तो इस कारण से ना ये जो आपका रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग है, यहाँ की आबादी भी सर्वाधिक होती है, यहाँ की साक्षरता दर भी काफी अच्छी खासी रहती है, और उसके कंपेरिजन में नारायणपुर, बीजापुरी जंगल वाले क्षेत्र है, नक्सलाइड एरिया है। तो ये सारे चीजों को ना कंपेयर करते हुए चलिएगा। मान लीजिए अगर आपसे एक साल का क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में आबादी सर्वाधिक है, उसमें एक ऑप्शन आपका रायपुर है ही नहीं, उसके बदले दे दिया आपका दुर्ग, दूसरा दे दिया आपका बालोद, तीसरा दे दिया आपका बीजापुर, चौथा दे दिया आपका सरगुजा, तो आपका आंसर क्या होगा, दुर्ग होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि रायपुर तो नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक लगाना है कि क्या कारण हो सकता है। रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, ये काफी डेवलप्ड है, यहां पे इंडस्ट्री आपका वेल सेटल्ड है, यहां पर लोगों का पलायन होता है, यहां पर लोग पढ़ने के उद्देश्य पहुंचते, तो इस कारण से ये जो आपके जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग है ना, ये इनकी आबादी भी सर्वाधिक होगी, यहां का साक्षरता दर भी काफी अच्छा खासा होगा, और इन जगह पे जो है आपका जो कार्यशील आबादी, बहुत सारे फैक्टर है, आगे हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो आबादी निवास करती है यह है आपके रायपुर जिले में, और आपके न्यूनतम है नारायणपुर में, लगभग 1.3 लाख, ठीक। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर, यह वृद्धि दर क्या है, 2001 दार्शनिक जनगणना होती है, 2001 के कंपैरिजन में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2001 के कंपैरिजन में 2011 के जनगणना के आंकड़ों में हमारे छत्तीसगढ़ में 22.61% का इंक्रीमेंट, वृद्धि दर्ज की गई है जनसंख्या में, ठीक है। 2001 के कंपैरिजन में 2011 की तुलना में आपका 22.61% 22.61% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए, इसी को लेकर के एक स्टूडेंट ने कॉल किया था कि सर मैंने कबीरधाम पढ़ा है, आपने अपने बुक में बड़ौदा बाजार मेंशन किया है, तो मेरे भाई ये बड़ौदा बाजार जो है ये 28 जिलों के आधार पर है, ठीक है। सर्वाधिक है आपका बड़ौदा बाजार, जहां पर आपका 49.87% की वृद्धि दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के जब आंकड़े आए थे तो उस समय जिलों की संख्या 18 ही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले 2-3 सालों से छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों का डाटा उसमें मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ौदा बाजार जहां पे आपके जनसंख्या वृद्धि दर 49.87% वृद्धि दर्ज की गई। अगर न्यूनतम वृद्धि की बात करें तो न्यूनतम वृद्धि है आपका सुकमा में आपका 8.16% का इंक्रीमेंट दर्ज किया गया। अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ में कुल आबादी 2.55 करोड़ आबादी में से 32.74 लाख, यानी कि 32.74 लाख आबादी अनुसूचित जाति, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का है, SC शेड्यूल्ड कास्ट का है। अगर हम बात करें तो 2.55 करोड़ आबादी में से 12.82% आपका SC कैटेगरी निवास करती है, ठीक है। कितना, 12.82% जो आबादी है ये आपका SC कैटेगरी का है, शेड्यूल्ड कास्ट का है, ठीक। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का लगभग 12% आपका अनुसूचित जाति है। अगर सर्वाधिक बात करें आबादी के आधार पर, ठीक है, अगर हम आबादी के आधार पर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है आपके जांजगीर चांपा में, लगभग 3.97%। सबसे कम जनसंख्या निवास करती है आपका सुकमा जिले में, ठीक है, सबसे कम आबादी निवास करती है आपका सुकमा जिले में, लगभग 2776। अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का संकेंद्रण है परसेंटेज के आधार पर मुंगेली में, लगभग 27.76%, जबकि सबसे कम संकेंद्रण परसेंटेज के आधार पर वो है आपका सुकमा। तो ध्यान दीजिएगा, आबादी पूछ रहा है कि प्रतिशत पूछ रहा है, ये सारे चीजों को आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 32.74 लाख आपका SC कैटेगरी है, जिसमें सर्वाधिक जांजगीर चांपा में, न्यूनतम सुकमा में, परसेंटेज वाइज छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 12.82% हमारे छत्तीसगढ़ में SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति है,
प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत जो है आपके मुंगेली में है, सबसे कम प्रतिशत है आपका सुकमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जनजाति, यानी कि यहां पे एसटी कैटेगरी की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी यानी कि 2.55 करोड़ आबादी में से 78.22 लाख यानी कि 78.22 लाख आबादी आपके अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी का है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 30.62% है। यानी कि छत्तीसगढ़ की जो 2.55 करोड़ आबादी है उसमें से लगभग 30% आबादी आपके अनुसूचित जनजाति की है, यानी कि आपका जो छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय निवास करती है उनकी बात हो रही है। सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आपका अनुसूचित जनजाति का, वो है आपके जशपुर जिले में। इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो है 28 जिलों के आधार पर है, ठीक है। यहां शायद मैंने 27 लिखा है, इसे 28 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका जशपुर में सर्वाधिक है, 5.30 लाख आबादी सर्वाधिक है आपका एसटी कैटेगरी की। सबसे कम है आपका बेमेतरा, जहां पर मात्र आपका 37,000 अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो छत्तीसगढ़ में एसटी कैटेगरी लगभग 30.62% एसटी कैटेगरी निवासरत है, सर्वाधिक प्रतिशत है आपके सुकमा में लगभग 83%, और सबसे कम है आपके रायपुर में 4.37%, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए शहरीकरण, शहरीकरण का मतलब यहां पर छत्तीसगढ़ में कुल आबादी का 23.24% आबादी शहरों में निवास करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और अगर आपको ग्रामीण आबादी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसे 100 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 100 से इसे माइनस कर दीजिएगा, यहां पर ग्रामीण आबादी का परसेंटेज निकल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल आबादी का 23.24% आबादी शहरों में निवास करती है। सर्वाधिक शहरीकरण किस जिले का है पूछा जाए तो वो है दुर्ग जिले का। न्यूनतम आपका शहरीकरण किस जिले का है पूछा जाए तो वो है आपके बलरामपुर जिले का। दुर्ग जिले का 64.15%, बलरामपुर जिले का 4.75%। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर इसका उल्टा पूछे कि ग्रामीण आबादी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करेगी बलरामपुर में, उल्टा कर देना है, और सबसे कम ग्रामीण आबादी कहां निवास करेगी, दुर्ग जिले में। कार्यबल भागीदारी, अभी कार्यबल भागीदारी क्या होता है देखिए, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे लोग जो किसी ना किसी कार्य में कार्यरत है, कार्य करने की क्षमता रखते हैं, कार्य करने में सक्षम है, या फिर कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें आपके कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। देखिए 14 साल से कम आयु के लोगों को कार्य करने पे पाबंदी है, ठीक है, उसे बाल श्रम के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, जो काम कर रहे हैं वो भी, जो काम करने की इच्छा रखते हैं वो भी, जो कार्य करने में सक्षम है, जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं, कार्य में है नहीं अगर वो कार्य करने के लिए सक्षम है, उन्हें भी काउंट किया जाता है आपके कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ में लगभग कुल आबादी का 47.68% आबादी आपके कार्यबल भागीदारी में, कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट है, ये अब तक एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, तो ये रिपीट भी होगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ किस जिले की कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक है, तो वो है आपके जशपुर जिले का लगभग 57.22%, और सबसे कम कार्यबल भागीदारी किस जिले का पूछा जाए तो वो है आपके दुर्ग जिले का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां पर यह मत देखना कि दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर में कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक होगी, यहां पर जशपुर में कार्यबल, क्योंकि इसमें कार्यरत नहीं बोला जा रहा है। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे लोग जो कार्यरत है, कार्य करने की इच्छा रखते हैं, कार्य करने के सक्षम है, कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत काउंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या आपका लिंगानुपात कहलाती है, यानी कि 1,000 पुरुषों के कंपेरिजन में महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अगर हम लिंगानुपात की बात करें, सकल लिंगानुपात वो है आपका 991, यानी कि छत्तीसगढ़ में 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 191 है, ठीक है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वो है आपका कोंडागांव। अगर आप देखेंगे तो कोंडागांव में 1,000 की तुलना में 1,033 महिलाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कोंडागांव जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, और आपके रायपुर जिले का लिंगानुपात न्यूनतम है। आंकड़े आप याद करते हुए चलिएगा, आंकड़े साइड में लिखा हुआ, मैं केवल आपको जिले के नाम बता रहा हूं, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है ये, ठीक है। अगर हम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण लिंगानुपात वो है आपका 1,001, ये भी काफी अच्छे कंडीशन में है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में लगभग 1,052 के आसपास, और बलरामपुर जिले का है आपका 973। शहरी लिंगानुपात है हमारे छत्तीसगढ़ में 956, ठीक है, ये कम है, 956, यानी कि शहरों में आपके 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 956 है, जिसमें गरियाबंद में आपका शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है 1,017,
और जबकि सुकमा में है आपका 866 यानी कि कम है। उसके बाद बात करें हम एससी कैटेगरी का लिंगानुपात है हमारे छत्तीसगढ़ में 994, इसमें राजनांदगांव में सर्वाधिक है आपका अनुसूचित जाति लिंगानुपात राजनांदगांव जिले का सर्वाधिक है, जबकि सुकमा जिले का आपका अनुसूचित जाति लिंगानुपात न्यूनतम है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात अच्छा खासा है 1020, जिसमें दंतेवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक है दंतेवाड़ा जिले का 1067, जबकि रायपुर में है सबसे कम। ठीक है, और अगर 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की बात करें तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में आपका लिंगानुपात है 969, ठीक है, जिसमें दंतेवाड़ा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक है जबकि रायगढ़ सबसे कम है। ठीक है, ये आंकड़े को देख करके थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण एवं शहरी आबादी क्षेत्रों में लिंगानुपात, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुल लिंगानुपात की अगर हम बात करें सेम वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा ग्रामीण और शहरी में इसे और क्लासिफाइड कर दिया है। छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात देखिए, अगर हम कुल लिंगानुपात की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात अभी हमने देखिए पीछे अभी हमने देखा था यहां पे कितना है 991। ठीक है, तो ये 991 तो आपका छत्तीसगढ़ कुल लिंगानुपात है, अब उसमें ग्रामीण और शहरी में क्लासिफाइड कर दिया है। ग्रामीण लिंगानुपात है 1001, शहरी लिंगानुपात है आपका 956। ठीक है, सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक आपका कुल लिंगानुपात में सर्वाधिक है आपका दंतेवाड़ा, और सबसे कम है आपका कुल लिंगानुपात में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है आपका दंतेवाड़ा का, और शहरी लिंगानुपात है सर्वाधिक आपका गरियाबंद का। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है बलरामपुर और आपका सुकमा। ठीक है, 0-6 वर्ष आयु वर्ग, 0-6 वर्ष आयु वर्ग में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण 0-6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात है 977, जबकि शहरी क्षेत्र में 0-6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात है 937। अगर सर्वाधिक की बात करें तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक है दंतेवाड़ा, और शहरी क्षेत्र में भी सर्वाधिक है दंतेवाड़ा, जबकि 0-6 वर्ष आयु वर्ग में छत्तीसगढ़ में सबसे कम लिंगानुपात है आपका रायगढ़ का, सबसे कम लिंगानुपात है शहरी क्षेत्र में आपका सरगुजा का। ठीक है, एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, छत्तीसगढ़ में आपका एससी कैटेगरी का, यहां पर एससी कैटेगरी का ग्रामीण लिंगानुपात है 996, जबकि एससी कैटेगरी का शहरी लिंगानुपात है, देखिए यहां पे ग्रामीण और शहरी में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, अगर आपको आप में बहुत लोग को लग रहा होगा कि पिछला जो टेबल पढ़े है उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जी नहीं, यहां पर क्या हो रहा है कैटेगरी वाइज इसे ग्रामीण और शहरी में क्लासिफाइड किया गया है, आप उसको उठा करके देखिए, काफी लेंथी टॉपिक है ये। ठीक है, अगर हम बात करें सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ में एससी कैटेगरी का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात बालोद जिले का है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कांकेर जिले का है, जबकि सबसे कम आपका एससी कैटेगरी का लिंगानुपात दंतेवाड़ा ग्रामीण और बीजापुर शहरी है। ठीक है, अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, छत्तीसगढ़ में आपका एसटी कैटेगरी का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है आपका 1021, और आपका शहरी लिंगानुपात है 990। सर्वाधिक लिंगानुपात एसटी कैटेगरी का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है दंतेवाड़ा जिले का, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है बलरामपुर का, न्यूनतम है आपका बलरामपुर, न्यूनतम है आपका ग्रामीण लिंगानुपात बलरामपुर में, और अधिक और न्यूनतम है आपका शहरी लिंगानुपात सुकमा में। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस आंकड़े को देख करके थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में पूरा एक टेबुलेशन फॉर्म में इसे दिया गया है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात परिवर्तन, यहां पे लिंगानुपात परिवर्तन की बात हो रही है, यानी कि 2001 के कंपैरिजन में 2011 के जो लिंगानुपात है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात है 991, जिसमें 2001 के कंपैरिजन में 2 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल लिंगानुपात में टोटल 2 अंक की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि 2001 में यह था आपका 989, इसमें प्लस 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया 991। ठीक है, इन 10 सालों में कोरिया जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि हुई, लगभग 22 अंक की वृद्धि हुई, जबकि सर्वाधिक कमी दर्ज की गई बेमेतरा जिले में सकल लिंगानुपात में। ठीक है, अगर 0-6 वर्ष आयु वर्ग की बात करें तो 0-6 वर्ष आयु वर्ग का वर्तमान में लिंगानुपात है 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो है आपका 969, जिसमें 2001 के कंपैरिजन में 6 अंक की गिरावट दर्ज की गई। देखिए, 0-6 वर्ष आयु वर्ग में 10 साल के यानी कि 2001 के कंपैरिजन में 2011 में सर्वाधिक 0-6 वर्ष आयु वर्ग की लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, लगभग 13 अंक की, और सुकमा में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई -34। ठीक है, अगर हम एससी कैटेगरी लिंगानुपात की बात करें, एससी कैटेगरी का लिंगानुपात है आपका 994 वर्तमान में, इस 994 में आपके 2001 के कंपैरिजन में 2011 में 1 अंक की वृद्धि दर्ज की गई,
इस एससी कैटेगरी में के लिंगानुपात में बस्तर जिले में सर्वाधिक आपके 24 अंक का वृद्धि हुआ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है ये अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहां पर अनुसूचित जाति के लिंगानुपात में वृद्धि हो रही है, जबकि कमी दर्ज की गई आपके सुकमा में -37। ठीक है, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात की बात करें छत्तीसगढ़ का 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1020 है, जिसमें 2001 के कंपैरिजन में 7 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। रायपुर में अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में आपके 57 अंक की वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बेमेतरा में -42 की गिरावट दर्ज हुई। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, बस्तर जो है यह अनुसूचित जनजाति बहुल है, लेकिन यहां पे अनुसूचित जाति के लिंगानुपात में वृद्धि हो रही है, जबकि रायपुर जो है यह शहरी एरिया है, लेकिन यहां पर अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज हो रही है। ठीक है, सर्वाधिक, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका साक्षरता दर, छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता दर है वो है आपका 70.24%। ये साक्षरता दर से ना बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, तो इसको थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ का जो आपका कुल साक्षरता यानी कि सकल साक्षरता दर है वो है आपका 70.28%, यानी कि यहां पे लगभग 70+ आबादी जो है, 70% से अधिक आबादी यहां पर साक्षर है, पढ़ी लिखी है। सर्वाधिक छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला है वो है आपका दुर्ग। ठीक है, जहां पर 82.56% आबादी यहां पर साक्षर है। ठीक, देखिए इसको आपको पूरा का पूरा परसेंट नहीं याद नहीं होता ना, तो थोड़ा सा इसको लमसम याद रखिए, लगभग 82.5% ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे कम साक्षरता दर है आपके सुकमा जिले का 34.81%। कारण आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, ये सारे फैक्टर जो है ये जनगणना के अंतर्गत आपको क्लासिफाइड करने में मदद करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो देखिए पुरुष और महिला इसका सेपरेट क्वेश्चन कई बार पूछा है। छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर है आपका 80.27%, इसमें भी आपका दुर्ग जिला टॉप में है 89.88%, और सुकमा जिला जो है आपका सबसे कम है पुरुष साक्षरता दर के मामले में, लगभग 44.06%। छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर है आपका 60.24%, इसमें भी आपका दुर्ग सर्वाधिक है। देखिए ये तीनों में जो है आपका दुर्ग मैक्सिमम होगा और सुकमा आपका मिनिमम होगा। दुर्ग जिले में पुरुष महिला साक्षरता दर 75.01% है और सुकमा जिले में सबसे कम लगभग 25.74%। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि पहले तो ये तीनों परसेंटेज को याद रखिएगा, तीनों परसेंटेज से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये महिला वाला तो आपको 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो आपका ग्रामीण साक्षरता दर है, छत्तीसगढ़ का ग्रामीण साक्षरता दर है आपका 66.01%। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक है बालोद जिले का लगभग 79.65% और सबसे कम है सुकमा जिले का 29.69%। शहरी क्षेत्र का जो है आपका साक्षरता दर, छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र का साक्षरता दर है 83.99%, लगभग 84% के आसपास, जिसमें सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर है वाला जिला है आपका सरगुजा 86.97%, सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला है आपका बीजापुर लगभग 74.20%। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी साक्षरता दर हमारे छत्तीसगढ़ में 70.76%। सबसे पहले तो ये वाला जो आपका कॉलम है ना, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एससी साक्षरता दर है यानी कि अनुसूचित जाति साक्षरता दर हमारे छत्तीसगढ़ में है आपका कितना, 70.76%, जिसमें सर्वाधिक है आपका बालोद 79.61% और सबसे कम है आपका सरगुजा। अगर अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर की हम बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की, तो छत्तीसगढ़ में आपका एसटी कैटेगरी का आपका साक्षरता दर है 59.09%, जिसमें सर्वाधिक आपका अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर है बालोद जिले का 77.73% और सबसे कम है आपके सुकमा जिले का 28.55%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या पहले ही देख चुके हैं, कार्यशील जनसंख्या यानी कि 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे लोग जो कि किसी न किसी कार्य में कार्यरत है, कार्य करने की क्षमता रखते हैं, कार्य करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो किसी न किसी कार्य में कार्यरत है, उसके अलावा ऐसे भी लोग जो कि कार्य करने में सक्षम है लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहे, कार्य करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को जो है आगे कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है। छत्तीसगढ़ की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है आपका 47.68%। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, थोड़ा सा ये परसेंटेज को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या निवास करती है आपके जशपुर में। जशपुर की कुल आबादी का 57.22% आबादी आपके कार्यशील जनसंख्या है, जबकि न्यूनतम है आपके दुर्ग जिले का 39.06%।
ठीक है। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जाति का यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का 12.16% आबादी कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है, जिसमें सर्वाधिक है आपका मुंगेली जिले में। मुंगेली जिले में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजाति का 27.62% आबादी कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है, जबकि सबसे कम है आपका सुकमा का मात्र 0.84%। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजाति में से 33.92% आबादी 33.92% आपकी जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों में से 33.92% कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सर्वाधिक है आपके सुकमा जिले में। सुकमा जिले में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजाति में से 85.36% कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, जबकि सबसे कम है आपके रायपुर में 4.57%। देखिए नेक्स्ट है आपका नगर निगम। देखिए नगर निगम से जुड़े हुए कुछ आंकड़े पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए हुए थे, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के ये आंकड़े हैं। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में नगर निगम से रिलेटेड कोई भी आंकड़ा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में जो डाटा दिए गए थे ये काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बने। देखिए छत्तीसगढ़ में नगर निगम जो है, कुल छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या है 14। अगर 14th नंबर के जो लेटेस्ट आपका जो नगर निगम बना था, 14वें नंबर का नगर निगम बना था आपका रिसाली, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी पूछा जाए तो टोटल है आपके 14 नगर निगम है वर्तमान में अस्तित्व में। तो उसके लिंगानुपात और साक्षरता दर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इसमें हम कवर करेंगे। देखिए अगर हम कुल लिंगानुपात की बात करें तो छत्तीसगढ़ में धमतरी नगर निगम का लिंगानुपात सर्वाधिक है, 14 नगर निगम में से धमतरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम है आपके बिरगांव नगर निगम का। अगर हम 0-6 वर्ष आयु वर्ग की लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है बिरगांव और राजनांदगांव नगर निगम का, जबकि सबसे कम लिंगानुपात है आपके अंबिकापुर का। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति यानी कि एससी सेक्स रेशियो यानी कि अनुसूचित जाति लिंगानुपात की बात करें तो धमतरी नगर निगम का लिंगानुपात एससी कैटेगरी में, धमतरी नगर निगम का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम है आपके अंबिकापुर नगर निगम का। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर निगम में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम है आपके बिरगांव नगर निगम में। अगर हम बात करें साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट का, तो रिसाली 14 नगर निगम में से रिसाली नगर निगम का साक्षरता दर सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम है आपका चिरमिरी। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कुल लिंगानुपात वाला आंकड़ा और ये साक्षरता दर, इसको सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किशोर एवं युवा वर्ग से संबंधित कुछ आंकड़े। देखिए ये जो आपका युवा वर्ग है, युवा वर्ग 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को युवा कहा जाता है, वहीं 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को किशोर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो इस बीच में 15 से लेकर के 19 वर्ष आयु वर्ग के आने वाले जो आपके कैटेगरी है, इस आयु वर्ग के लोग आपके युवा और किशोर दोनों वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, आप इंटरनेट में जाकर के इससे संबंधित कोई डेफिनेशन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं जिसको आपको याद रखना है, ध्यान समझते हुए चलिए। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में किशोर की जनसंख्या प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में किशोर जनसंख्या प्रतिशत है आपका 21.47%, जबकि युवा जनसंख्या प्रतिशत है आपका 19.53%। यानी कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 21.47% आबादी आपके किशोर वर्ग के अंतर्गत आती है, जबकि युवा वर्ग के अंतर्गत आपका 19.57% आबादी आती है। अगर हम एससी कैटेगरी में बात करें तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जाति में से 22.81% आबादी किशोरों की यानी कि किशोर वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, जबकि 20.37% आबादी आपके युवा वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर हम एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजाति में से 21.67% किशोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि 18.91% आबादी जो है आपके युवा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, इनके आबादी वाले वैसे तो आपकी इकोनॉमिक सर्वे में और ही बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह आंकड़े याद रखना है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में याद रखिए, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 21.47% आबादी किशोर वर्ग में और 19.53% आबादी युवा वर्ग के अंतर्गत आ रही है। अगर हम इनके साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर, तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल किशोर आबादी में से 32.76% किशोर जो है ये साक्षर है, जबकि छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल युवा आबादी में से आपका 28.37% युवा वर्ग साक्षर है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले या छत्तीसगढ़ में एससी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले किशोर वर्ग में से 35.61% किशोर साक्षर है, जबकि छत्तीसगढ़ में आपके निवास करने वाले
कुल आपके अनुसूचित जाति के युवा वर्ग में से 30.43% युवा साक्षर है। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों के किशोर वर्ग में से आपके मात्र कुल किशोर वर्ग का 37.31% किशोर वर्ग साक्षर है, जबकि छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति युवा वर्ग में से मात्र 29.84% युवा वर्ग आपका साक्षर है। तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, युवा और आपके किशोर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें युवा वर्ग, तो युवा वर्ग 15 से लेकर के 24 वर्ष आयु वर्ग युवा के अंतर्गत आ रहा है, जबकि 10 से लेकर के 19 वर्ष आयु वर्ग जो है ये किशोर के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर आप उसमें से बीच में देखेंगे तो 15 से लेकर के 19 वर्ष का जो आयु वर्ग है ये युवा और किशोर दोनों के अंतर्गत काउंट होता है। और ज्यादा अगर आपको डीप में पढ़ना है तो इंटरनेट में डेफिनेशन थोड़ा ढूंढ लीजिएगा कि किशोर और युवा अवस्था में अंतर क्या है। वैसे डेफिनेशन से प्रश्न नहीं आता। सबसे मेन आपको याद रखना है ये पहला वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 21.47% किशोरों की आबादी, यानी कि किशोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किशोर वर्ग यानी कि 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की आबादी है, जबकि छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल आबादी का 19.53% आबादी आपके युवा वर्ग की है। इतना आपको पहले याद रखना है। यह है आपका अध्याय दो जनगणना। इसे मैं एक टॉपिक छोड़ रहा हूं, आपका आकांक्षी जिला वाला। देखिए, पिछले 2 साल के आर्थिक सर्वेक्षण में आकांक्षी जिलों से संबंधित कोई भी डाटा आपका आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं हर साल अपने आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में आपके आकांक्षी जिलों से संबंधित जनगणना के आंकड़े मेंशन करता हूं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी वो क्वेश्चन या उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले 2 साल से आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में नहीं आ रहे हैं, आर्थिक गवर्नमेंट के ऑफिशियल आर्थिक सर्वेक्षण में उसे पब्लिश नहीं किया जा रहा, लेकिन आपके मेन्स आंसर राइटिंग में वो काम आ सकता है, इसीलिए मैंने उसे अपने बुक में अलग से शामिल किया है। तो आप उसे वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में जितना डाटा था वो सारा का सारा मैंने कवर करा दिया, जबकि नगर निगम वाला एडिशनल मैंने आपको कवर कराया। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।